तो फ्रेंड्स, इस चैनल की पहली टेक्नोलॉजी न्यूज के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ कमाल की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। और फ्रेंड्स, सबसे पहली जो न्यूज आती है वो आती है हमारे बिल गेट्स जी के बारे में, जो कि सबसे बड़े बहुत मतलब अमीर आदमी है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्हें तैयार करने की सोची है अपनी एक सुपर काउ। इन द सेंस, ये सुपर काउ मतलब ये नहीं कि सुपरमैन की तरह उड़ेगी या आंखों से लेजर छोड़ेगी या ऐसा कुछ। यहाँ पर जो है इनका पूरा मेन मोटिव है कि ये काउ जो है सबसे ज़्यादा जो है दूध का प्रोडक्शन करे, यानी यूरोपियन जो काउ होती है वो सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करती है। इस काउ को जो वो चाहते हैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करे वो मिल्क, और साथ ही साथ वो गर्म जगहों पर भी अपने आप को सस्टेन कर सके, ताकि वो अफ्रीका जैसे देशों में जो है ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गाय भेजी जा सके, और अफ्रीका में जो है इस तरीके की अच्छी खासी जो है लेवली स्टॉक वो कमा सके, यानी क्योंकि अफ्रीका में जो है हालत थोड़ी ख़राब रहती है। इसके लिए हमारे बिल गेट्स जी ने जिम्मा दिया है हमारे ईस्टर्नबर्ग के लिवस्टॉक वेटरनरी मेडिसिन रिसर्च सेंटर को, जिसके लिए उन्होंने अपनी सुपर काउ बनाने के लिए उन्होंने $40 मिलियन जो है उस रिसर्च सेंटर को दान में दी है। तो देखते हैं भाई काउ कब तक आती है। तो भाई जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है नोकिया की तरफ से। तो ये एक जो वेबसाइट है जो कि है गीक बेंच, जो है वहाँ पर जो है चेक किए जाते हैं जो स्मार्टफोन बनाए जाते हैं उनके बेंचमार्क्स को टेस्ट किया जाता है कि जो फ़ोन जो है कैसा परफॉर्म करेगा एक्सट्रीम कंडीशन में और लो कंडीशन में। तो यहाँ पर गीक बेंच पे जो है एक बेंचमार्क की इमेज लीक हुई है, जिसमें कि आपको पता चल रहा है कि ये जो फ़ोन है वो है नोकिया का 7 प्लस। तो यहाँ पर नोकिया 7 जो था वो लॉन्च हो चुका था, यहाँ पर नोकिया 7 भी आपको देखने को मिलता है। ये जो फोन है आप स्पेसिफिकेशंस जो वहाँ पर पता चल रही है, यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलता है, 4GB और 6GB रैम वेरियंट्स हैं, यहाँ पर 3000mAh की बैटरी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई लोग, जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस को लेके, जो कि 25 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इन्हें शोकेस किया जाएगा। तो उसकी जो लीक्स हैं उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि S9 के बारे में, ये जो है आपकी फ़ोन में जो है एक नई तरीके की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है। नई तरीके की मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है जो आपको सैमसंग में फेस रिकॉग्निशन और आयरिस स्कैनिंग मिलता था, उन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक नई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बनाई है, यानी कि इंटेलिजेंट स्कैनिंग, उसको नाम दिया है इंटेलिजेंट स्कैनिंग। तो यहाँ पर जो है ये फ़ोन जो है अनलॉक होगा, आपकी फ़ोन को और सिक्योर बनाती है ये तरीका इंटेलिजेंट स्कैनिंग। यहाँ जो है आपका फ़ोन तब अनलॉक होगा जब आपका फेशियल रिकॉग्निशन और आयरिस स्कैनिंग दोनों को कंबाइन करके आपके फेस को स्कैन किया जाएगा, और जो है फ़ोन तभी अनलॉक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं आईफोन की तरह 3D वाली आपको फेस रिकॉग्निशन देखने को मिलती है या नहीं। तो अगली न्यूज़ जो आती है वो दोबारा से आती है नोकिया की तरफ से। तो यहाँ पर जो नोकिया 3 और नोकिया 2 हैं दोनों के लिए यहाँ पर बहुत जल्द आने वाला है एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट। यहाँ पर जो नोकिया 3 उसके लिए 7.0 पर जो है लॉन्च किया गया था फ़ोन, वहाँ पर 7.1 का अपडेट आने के बजाय अब डायरेक्ट जो CEO ने इसे ऑफिशियल किया है कि इस फ़ोन के लिए नोकिया 3 के लिए आपको एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट बहुत जल्द मिलेगा। और नोकिया 2 के लिए भी यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 8.0 ओरियो का अपडेट मिलने वाला है, जहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को भी ध्यान में रखकर जो है आपके फ़ोन नोकिया 2 अगर आपके पास है तो उसकी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छे से की जाएगी, तो उसके लिए परफॉर्मेंस भी आपकी फ़ोन की अच्छी बढ़ जाएगी उससे। तो अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है शाओमी की तरफ से। यहाँ पर जो है कुछ ऐसी बातें चल रही थी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कि जो अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन शाओमी का है शाओमी मी 7, उसे शोकेस करके मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2018 को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ लीक्स निकल गए हैं, यहाँ से मतलब सोर्सेस से पता चला है कि यहाँ पर जो फ़ोन है वो मी 7 की बजाय यहाँ पर मी मिक्स 3 भी नहीं होने वाला है, यहाँ पर मी मिक्स 2S होने वाला है। देखने वाली बात यह है इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर 2S आखिर होने कैसा वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है गूगल के प्ले स्टोर और हमारे एप्पल के ऐप स्टोर से। तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टोर्स हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से गोल मचती है, मतलब कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सी जगह से कितना जो है डाउनलोड किया गया, कौन सा आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ ऐसा पता चला कि 2017 के लास्ट 3 मंथ्स में गूगल का प्ले स्टोर जीत गया है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो है 145% ज़्यादा जो है डाउनलोडिंग हुई है ऐप स्टोर के मुताबिक। यहाँ पर जो था पिछले 2-3 महीनों में, 2017 के लास्ट 3 महीनों में प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई 19 बिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड की गई, वहीं ऐप स्टोर पर की गई सिर्फ 7.9 बिलियन एप्लीकेशंस। तो यहाँ अगली जो नहीं जाती वो आती इंटेल की तरफ से। यहाँ इंटेल जो है वो कहना चाहता है कि इस साल जो है आगे आपको इस साल जो है बेटर अपग्रेडेड चिप्स यहाँ जो है इंटेल की देखने को मिलेंगी, CPU चिप्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो चिप्स होंगी वो आपको एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगी मेल्टडाउन और स्पेक्टर जैसे प्रोसेसिंग CPU फ्लॉस से, जैसा कि आप लोगों को पता है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ जो है सारे CPUs में निकल के आता है, इंक्लूडिंग इंटेल AMD ARM सभी प्रोसेसर में। तो यहाँ पर इन प्रोसेसर की में जो फ्लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो है अगर कोई प्रोफेशनल हैकर है तो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को
हैक कर सकता है, उसे चुरा सकता है, तो ये बहुत बड़ी खतरा था। तो यहाँ पर पैचेस वगैरह रिलीज किए गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म आपको सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो इंटेल कहता है कि इस साल में आगे चल के आपको है जो अपग्रेडेड चिप्स देखने को मिलेंगी। तो भाई लोग, जो अगली न्यूज आती है वो आती है हमारे यूट्यूब को लेकर। तो ऑब्वियसली यार, यूट्यूब जो है सबसे ज्यादा कमाई का जरिया है यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग में। तो यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग होती है यूट्यूब एड्स से, लेकिन यहाँ पर जो है किसी ना किसी तरीके से कुछ हैकर्स ने जो है यूट्यूब एड्स को हैक कर लिया। यहाँ पर क्या कि यूट्यूब की एड्स में कुछ ऐसी जावास्क्रिप्ट लाई गई जो कि क्रिप्टो करेंसी को माइन करे, क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्टिंग यहाँ पर की गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है आपके पीसी में अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पीसी को यूज़ किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए, और यहाँ पर जो माइनिंग है वो करी जा रही है आपको बिना बताए। तो यहाँ पर एडवाइस ये दी जाती है कि अपने ब्राउजर के जो ऑटो प्ले जावास्क्रिप्ट को टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो। इस बारे में पता कैसे चला तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो यूज़र्स थे वो एक शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर YouTube पे जब भी वो वीडियो प्ले करते थे, नो मैटर कौन से ब्राउजर में चला रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी वो वीडियो YouTube वीडियोस को प्ले करते थे, यहाँ पर जो उनका एंटीवायरस था वो उन्हें वार्निंग देता था बार बार कि आप जो है कुछ बहुत ज़्यादा CPU लोड बढ़ रहा है, यानी आपके जो चेक किया गया जब स्क्रिप्टिंग को, तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जो है क्रिप्टो माइनिंग का पता चला, क्रिप्टो जैकिंग की जा रही है, आपके पीसी को यूज़ किया जा रहा है हैकर्स द्वारा, आपके मतलब आपके पीसी की सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है उनके लिए क्रिप्टो करेंसी को माइन करनी है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो है कॉइन हाइव की मोनेरो क्रिप्टो करेंसी जो है, ये डिजिटल करेंसी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो चीज़ें वो बंद कर दी गई हैं, अब यूट्यूब जो है बंद कर चुका है, इस पर ध्यान दिया था तुरंत ही। यहाँ पर जो कुछ अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें ताइवान, जापान, फ्रांस, इटली, स्पेन और ये जो कंट्रीज थी, इस तरीके की कंट्रीज जो है अफेक्ट हुई थी, इंडिया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, बस आपको ये न्यूज़ देनी थी। और जो इस वीडियो का आखिरी अपडेट है, आखिरी न्यूज़ है, वो आती है वन प्लस की तरफ से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वन प्लस 6 की कोई लीक या कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वन प्लस के ऊपर ट्विटर पिछले थर्सडे को है ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि वन प्लस जो है आपके क्लिप बोर्ड डेटा को चाइनीज सर्वर पर सेंड कर रहा है। तो ये जो तरीका है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्लिपबोर्ड डेटा कोई ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर क्लिपबोर्ड डेटा बहुत सेंसिटिव चीज़ें आपकी रखता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट नंबर, आपकी ईमेल, इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर क्लिपबोर्ड डेटा में होती हैं। तो यहाँ पर लफड़ा है क्या कि यहाँ पर जो है आपके वन प्लस में जो ऑक्सीजन OS जो आप रन करते हैं, सॉरी वन प्लस जो आपके डिवाइस वन प्लस 6 वगैरह, वन प्लस 5 वगैरह में जो है ऑक्सीजन OS चलता है, उसमें आपको एक टेक्स्ट फाइल मिलती है badwords.txt। ये जो फाइल है वो उसमें कुछ इस तरीके के वर्ड्स होती हैं जो कि आपके इन्फॉर्मेशन में से कुछ खास तरीके की इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके चाइनीज़ सर्वर पर अपलोड करती है। खैर, यहाँ पर वन प्लस की सफाई में उसने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने जो यूज़र्स हैं उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बताते, कहीं पर कुछ भी जो है अपलोड नहीं किया गया, ये तो मतलब लाजमी है। तो फ्रेंड्स, आज की टेक न्यूज़ में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, आई होप आपको टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। यार ये पहला एपिसोड था टेक न्यूज़ का, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई होप यार थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो गया होगा यार, प्लीज़ यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, और यार वीडियो बनाते बनाते अंधेरा हो गया। और आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, और आपकी वीडियो पसंद आई, आपको टेक न्यूज़ पसंद आएगी, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन मिलेगा, जबान से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, और साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन, जिस जमाने से होया ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस भी मत करा कर यार, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।